हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पर। तो फाइनली आज कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर हो चुका है, लेकिन इस हिंदी के पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर क्या थे, क्योंकि हर एक छात्र पेपर देने के बाद में मिलाता घर पर आकर मिलान अवश्य करता है, चेक करता है कि जो हमने उत्तर पुस्तिका में लिखे हैं, जो प्रश्न हमने उत्तर पुस्तिका में लिखे हैं, जिनके आंसर लिखे हैं, क्या वो सही थे या फिर गलत थे। हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, एक एक प्रश्न का आंसर आपको बताएंगे, जिससे कि आप मिलान कर सकते हैं आपने जो अपनी कॉपी में लिखे हैं वो सही हैं या गलत हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सही विकल्प का चयन करिएगा। तो सही विकल्प है प्रगतिवाद कवि है। तो प्रगतिवादी कवि है कौन है, मुक्तिबोध, सुमित्रानंद पंत या फिर नरेश मेहता या जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंदन पंत यहाँ पर इसका सही आंसर है। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न, वो है नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी, 2 फुट, 5 फुट या 3 फुट या 10 फुट। तो 2 फुट नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई थी। अगर आपने ये सही किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में है तीसरा वाला, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है या फिर आगे को या नागार्जुन या स्वयं प्रकाश। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अगर आपने राम वृक्ष बेनीपुरी किया है तो आपका 1 नंबर पक्का। इसके बाद में है सूर सारावली के कवि का नाम है, सूर सारावली सूरदास की है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास। और इसके बाद में है, इसके बाद में पांचवा वाला है कवि निराला का जन्म हुआ था। तो कवि जो निराला है उनका जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सन 1904, सन 1899 और 1888। तो इसका सही आंसर क्या है, तो छात्रों इसके आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी हमें मिला नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें ये लग रहा है कि 1899 हो सकता है, लेकिन कंफर्म अभी नहीं कह सकते। तो इसका आंसर हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद में है, इसके बाद में है छठवा वाला, कुहासा का अर्थ है कंबल या कोहरा या सन्नाटा सहारा। तो इसका सही आंसर है वो है कोहरा। इसके बाद में देख लेते हैं छात्रों हम रिक्तस्थान, रिक्तस्थान है हमारे प्रश्न क्रमांक दूसरे में, रिक्तस्थान पूछे गए हैं। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, चलिए बताइए अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। इसका सही आंसर होगा 8, अगर आपने 8 करके आए तो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बाद में है दूसरा, छंद के प्रकार हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। और इसके बाद में है दो वाला आपने सही किया होगा तो आपको 1 नंबर पक्का। इसके बाद में है तीसरा वाला, बल्लभाचार्य के गुरु थे। तो बल्लभाचार्य किसके गुरु थे, यहाँ पर सूरदास के गुरु थे, परशुराम तुलसीदास। तो इसका सही आंसर रहेगा सूरदास, अगर आपने सूरदास किया है तो आपका 1 नंबर और पक्का हो जाता है। इसके बाद में है, इसके बाद में है चौथा प्रश्न, वो है दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, प्रथम और तृतीय पंक्ति की मात्राओं के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर 11-11 मात्राएं होती हैं या फिर 13-13 या फिर 14-14। तो इसका सही आंसर होगा 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 13-13 मात्राएं। इसके बाद में है पाँचवा प्रश्न, वो है रस के अंग, रस के अंग कितने होते हैं, रस के अंग 4 होते हैं, अगर आपने 4 किया है तो आपका सही आंसर है। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वह है छठवा वाला, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है, कब से माना जाता है, 1900 से या फिर 1901 या 2000 से। तो इसका सही आंसर है 1900 से माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो भी प्रश्न है आपने इसमें से कितना सही किया है वो देख लीजिएगा। इसके बाद में आ जाती हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों के आंसर जो हैं हमने वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरे में सही जोड़ियाँ पूछी हैं, किसको किससे मिलाना था वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कहाँ से आप चेक करना, क्योंकि सभी के आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर हैं, इनके आंसर भी हमने लिख दिए हैं, क्योंकि इसके थोड़े से बड़े बड़े प्रश्न हैं, मतलब एक एक वाक्य के, तो वो सभी हमने लिख दिए हैं। और असत्य, सत्य और असत्य के प्रश्न भी हमने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो आपको कैसे देखना है,
वो आपको studyguru.com वेबसाइट पर या examdeep.com वेबसाइट, दोनों में से किसी पर भी देख सकते हैं। और वीडियो के लिंक, वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम आगे के प्रश्न देख लेते हैं कि जो हमने बताए थे उनमें से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर छठवां प्रश्न जो है वह भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। तो हमने ये बताया था, फाइनली ये जो प्रश्न है वो आ चुका है। इसके बाद में लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। इसके बाद में बिस्मिल्ला खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। गद्य की कोई चार विधाओं के नाम लिखिए। या बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न आपको ग्रामर में से बताए थे सिर्फ वो देखना है, क्योंकि ग्रामर में से हमने जो प्रश्न बताए हैं वो अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। देख, संधि और समास में कोई दो अंतर लिखिए, हमने पहले ही बता दिया था संधि समास में अंतर आपको पढ़ लेना है। तो बिल्कुल ये संधि समास में अंतर ये आ चुका है। इसके बाद में शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है नाम लिखिए। और इसके बाद में हम देख लेते हैं 12वां प्रश्न में, आप देखिए कवि और सूरदास तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं और भाव पक्ष आपको लिखना है। तो हमने इसके बारे में बताया था, दोनों के दोनों आ चुके हैं, क्योंकि हमने सूरदास और तुलसीदास दोनों का बताया था, याद कर लीजिएगा। तो फाइनली दोनों आ चुके हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। इसके बाद में ग्रामर में और क्या बताया था हमने, इसके बाद में काव्य के बारे में आपको बताया था, पढ़ लीजिएगा। तो फाइनली काव्य के बारे में आ गया। इसके बाद में रस के बारे में हमने बताया था, रस के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो फाइनली रस के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके बाद में छंद के बारे में बताया था, छंद भी आ चुका है, और उदाहरण भी बताया था, साथ में उदाहरण के साथ ही आया है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। इसके बाद में राम वृक्ष बैनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की, तो यहाँ पर राम वृक्ष बैनीपुरी के बारे में हमने बताया था। तो फाइनली राम वृक्ष बैनीपुरी के बारे में आपको लिखने को आ गया, दो रचनाएं भाषा शैली। इसके बाद में गद्यांश पद्यांश आपको अपने चैप्टर से आपने कर ही दिए होंगे। इसके बाद में है, इसके बाद में निबंध कौन कौन से आए। हमने प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, 21 में जो लाउड स्पीकर की यानी कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, हमने इस एप्लीकेशन को याद करने का बोला था, कल की वीडियो देख लीजिएगा। तो फाइनली ये वीडियो में ये जो प्रश्न है वो आ चुका है, देख लीजिएगा, फाइनली ये भी आ गया। इसके बाद में हमने बोला था कि विज्ञान के बढ़ते चरण आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर ये भी विज्ञान के पर भी निबंध आ गया। तो अगर आपने कल की वीडियो हमारी देखी होगी तो आपको यहाँ पर बहुत फ़ायदा मिला होगा। इसलिए बोलते हैं कि हाँ, वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करो, जो प्रश्न बताए हैं वो आप याद ही कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न हम बताते हैं वो आपको फालतू प्रश्न नहीं बताते, बल्कि बड़ी सोच समझ कर और काफ़ी रिपीटेड काफ़ी बार पूछे गए हैं, इस वजह से हम आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है आपको, आगे का जो सॉल्यूशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।